फटके बोल्ट खुल गए और सापड़ खुल गई दोस्तों। और सापड़ खुलने का रीजन ये है कि उसके बोल्ट पहले से ढीले थे, उन्होंने चेक नहीं किए, तो उसके कारण सापड़ खुल गई दोस्तों। दोस्तों उनको हमने उतार दिया था यहाँ बस स्टैंड पे, तो वहाँ से हम निकल गए दोस्तों। तो टाइम हो गया दोस्तों सात बज गए दोस्तों। तो अब यहाँ से चलते हैं तो और खाना पीना खा के बस सो जाएंगे और निकलेंगे हम यहाँ से 4 बजे के आसपास निकल जाएंगे। तो 4 बजे के आसपास आगे जाएंगे और फिर खाना हेलो दोस्तों, स्वागत है दोस्तों फिर से माई न्यू व्लॉग में आप सभी का। कैसे उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों वहाँ पे हमने गाड़ी खाली करके हम रात को ही आ गए थे पार्किंग के अंदर दोस्तों। तो आए तो हम लेट हो गए, मतलब 10:30 के आसपास टाइम हो गया था। तो फिर हमने यहाँ आए, खाना पीना बनाया था दोस्तों, और गाड़ियाँ हमारे पास हमारे आगे बहुत थी पर वो लोग सो गए थे। और हमारी एक मैंने पहली जो गाड़ी चलाई थी वो भी सेठ जी इधर ही थे, उनको हम खाने पीने बनाने के लिए बोलते बट हमारे को पता नहीं था। तो दोस्तों खाना पीना तो उन्होंने नहीं बनाया था क्योंकि हमने बोला ही नहीं था। तो हम यहाँ आके फिर हमने खाना पीना बनाया और फिर खा पी के सो गए थे दोस्तों। और अभी सुबह उठे, अभी टाइम हो रहा है अपने 11 के आसपास टाइम हो रहा है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, हम नहा लिए धो लिए और अब मेरे आगे 4-5 गाड़ियाँ आएंगी तो मेरा नंबर थोड़ा लेट आएगा दोस्तों। तो कोई दिक्कत नहीं, वो नंबर तो कल या परसों के आसपास आएगा, आ जाएगा हमारा नंबर, और कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। अनिल अभी नहा रहा है और मैंने तो नहा लिया है और मेरे गाड़ियाँ हैं 3-4 मेरे गाड़ियाँ आ गए हैं दोस्तों, सब पार्किंग में खड़े हैं। और गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है दोस्तों, गुजरात के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है क्योंकि फैक्ट्री एरिया के हिसाब से दोस्तों। तो दोस्तों ये चक्कर फिर बढ़ने के बाद फिर शिवराज आ जाएगा और मेरी भारत बेंचों के अंदर जाने की बात कर रही है क्योंकि कन्हैया भैया के उनके खुद के गाड़ी ले आए तो वो खुद चलाएंगे और मैं उस गाड़ी में जाने की बात चल रही है, अभी कंफर्म नहीं हुआ पूरा, वो हम बात कर लेंगे शेर से, फिर कंफर्म होने के बाद चले जाएंगे, वो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। तो अभी तो मैं इसको भर के भिलवाड़ा जाऊँगा, अगर भिलवाड़ा अगर ये एक चक्कर और लगाएगा तो ठीक है, नहीं लगाएगा, अगर लगाएगा तो मैं घर जाके आ जाऊँगा, अगर नहीं लगाएगा तो मैं सीधा डायरेक्ट उसी गाड़ी में चला जाऊंगा भिलवाड़ा खाली करके। तो देखते हैं दोस्तों, अगर ये एक बोल देगा वैसे कर लेंगे इनके पापा से और वो बात कर लेगा क्योंकि सेठ का लड़का है उसकी गाड़ी में है इसलिए। तो ठीक है दोस्तों, देखते हैं हमारा नंबर भी कब तक आता है, फिर बनने के लिए जाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, नहीं नहाने के बाद फिर अपन जाते हैं उधर चाय वगैरह पीने के लिए अपने शिव शक्ति होटल में। तो ठीक है दोस्तों, मैं ये नहाने के बाद फिर चाय पीने के लिए जाते हैं, फिर चाय वगैरह पीने के बाद फिर शाम के टाइम में खाना पीना बनाएंगे बना लेंगे। तो ठीक है दोस्तों, अनिल आने के बाद फिर जाते हैं। तो दोस्तों चाय वगैरह हम पी के आ गए हैं और अनिल के लिए हमने चाय ले ली है और रतन भैया ने चाय ले ली है दोस्तों। अब हम जा रहे हैं वापस पार्किंग के अंदर। तो दोस्तों खाना पीना तो हम शाम को ही बनाएंगे, अभी टाइम हो गया मतलब 1 के आसपास हो गया, तो शाम को दोस्तों फिर खाना बनाएंगे, हरी सब्जी ले आएंगे, इधर मार्केट है छोटा मोटा। तो ठीक है दोस्तों, वापस चलते हैं पार्किंग के अंदर, फिर शाम को देखेंगे खाना का। तो दोस्तों हम मार्केट के और सामान वगैरह लेके आएंगे, आज हम बनाएंगे दाल और हरी सब्जी, तो हमारे को पसंद ही नहीं है, तो हमने लिया ही नहीं दोस्तों। ये इधर अनिल चल रहा है और ये इधर रतन है। तो ठीक है दोस्तों, गाड़ी में चलते हैं और खाना बनाना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम गाड़ी के अंदर आ चुके हैं और खाना हम बना रहे हैं दोस्तों। मिर्ची टमाटर मैंने काट के रख दिया है और ये इसमें मसाले वगैरह है और दाल हमारी ये इधर है दोस्तों। तो हम खाना बना रहे हैं क्योंकि टाइम पे बना लेते हैं दोस्तों, टाइम 6 के आसपास हो गया। तो दोस्तों हमारे रतन भैया की गाड़ी में मिर्ची कम है तो हम मिर्ची हमारी गाड़ी से लेके आ गए। तो ठीक है दोस्तों, खाना पीना बनाते हैं फिर खाएंगे पिए दोस्तों। दाल तो हमारा बन के रेडी हो गया और उधर अनिल बना रहा है रोटी। तो दोस्तों मेरी गाड़ी में चलते हैं, अनिल रोटी नहीं सॉरी वो बाटी बना रहा है, हम बाटी खाते हैं दोस्तों, अधिक ज़्यादा बाटी खाते हैं। और ये अपने हैं वो रतन भाई। तो ठीक है दोस्तों, उस गाड़ी में चलते हैं। तो दोस्तों अनिल हमारी गाड़ी में, इसमें बाटी बन रही है और दाल तो हमने बनाई दी और बाटी बन जाएगी 10-15 मिनट के बाद बन जाएगी। तो रतन को मैंने चार्ज लेने के लिए भेज दिया है, तो चार्ज लेने के लिए गया है दोस्तों। और मेरा अब 4th नंबर है दोस्तों, और रतन का अगर मतलब अलग जो कंपनी में नंबर नहीं आएगा तो फिर मैं भरवाने के लिए चला जाऊंगा क्योंकि यार उसको बैग वगैरह लगाना नहीं आता अभी तक। और मेरा फिक्स हो गया भारत बेंच, जो मैं उसमें गाड़ी में चला जाऊंगा, उससे उनके पापा से भी हमने बात कर ली है, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको भिलवाड़ा खाली करके फिर मैं उस गाड़ी में चला जाऊँगा। तो ठीक है दोस्तों, देखते हैं हमारा खाना कब तक बनता है, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, देखते हैं हमारा बाटी कब तक बनता है, फिर खा पी के सो जाएंगे और देखते हैं फिर सुबह हमारा नंबर आता है कि नहीं आता है। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग, तो रात को हम दोस्तों खाना पीना खा के सो गए थे और मॉर्निंग में हमारा नंबर आ गया था, तो हम बनने के लिए कंपनी में आ चुके हैं दोस्तों। और मेरा गाड़ी पीछे भर रहा है
और टाइम अपने 11:30 के आसपास हो गया था। हम खाना खाने के लिए जा रहे हैं, यहाँ कंपनी के अंदर खाना मिलता है दोस्तों, तो चलते हैं कंपनी के अंदर और खाना पीना खा के फिर वापस गाड़ी में जाएंगे। तो दोस्तों आज के कैंटीन के अंदर एक कैंटीन के पास में है दोस्तों, देख सकते आप लोग। तो दोस्तों कैंटीन के पास हम आ चुके हैं और ये इधर है कैंटीन दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, खाना खाते हैं और खाना पीना खा के वापस गाड़ी में। तो दोस्तों खाना पीना हमने खा लिया है, अब वापस जाते हैं गाड़ी में। गाड़ी तो लोग भर रहे हैं दोस्तों, और आपके खाने इसका खाना बच गया था, इसको वापस खिलाया है। तेरे साथ है, मेरे साथ नहीं, इसके साथ हुआ दोस्तों, इसके साथ हुआ, मेरी बिल्कुल सारी शाम थी, मेरी तो शाम थी भाई, तेरे साथ हुआ ऐसा। चलो ठीक, कोई ना दोस्तों, तो मेरा गाड़ी थोड़ा ही खाली रहेगा, अभी भर जाएगा 10-15 मिनट के अंदर। तो चलते हैं अब गाड़ी के पास सीधा। गाड़ी मेरा हो गया है लोड, और मेरे क्या थोड़ा वजन कम पड़ गया था, तो काटा करवा के मैंने एक बार चेक करवा के वापस ले गए पीछे बढ़ने के लिए। तो अभी 3 टन हमारा कम हुआ था, तो वो 3 टन इन्होंने डाल दिया है दोस्तों। अभी मैं कांटे पे हूँ, तो कांटे पे गाड़ी चल रही दोस्तों, तो वो निकलने के बाद फिर अपनी गाड़ी लगा दे दोस्तों। तो वो पता नहीं उस्ताद किधर गया, और फिर हमने ऑफिस में जाके बिल वगैरह लेके फिर सदरपाल भी कर लेंगे, फिर यहाँ से निकल जाएंगे दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, अभी के लिए गाड़ी को लेते हैं काटे। दोस्तों काटा तो हमारा हो चुका है और पर्ची भी हमने ले ली है, अब जाता हूँ मैं बिल बारी के अंदर बिल वगैरह लेने के लिए। और अनिल को मैंने बोला तब तक तू तिरपाल वगैरह खोल दे, और मैं बिल लेके आता हूँ, तब तक तू तिरपाल को खोल देना, फिर दोनों आके कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे बिल बारी है, तो मैं जाता हूँ लेने के लिए। तो गाड़ी को तो मैंने साइड में कर ही दिया है दोस्तों, और बिल में लगभग टाइम लग जाएगा 10-15 मिनट के लिए बोलता है, तो 10-15 मिनट में हमारा बिल मिल जाएगा दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, मैं जाता हूँ बिल बारी के अंदर। तो दोस्तों बिल बारी पर मैं आ चुका हूँ, और भैया अंदर बिल बना रहे हमारे, और मैं इधर बाहर बैठा हूँ। तो दोस्तों अब टाइम तो 6 के आसपास हो गया है, तो पता नहीं कल मेरा गाड़ी खाली होगा नहीं होगा। कल अगर हो जाएगा तो मैं शिवराज को कल बुला लूँगा, और मैं जो गाड़ी में बात हुई है मैं उस गाड़ी में चला लूँगा। तो देखते हैं दोस्तों, फिर कल टाइम पर पहुँच जाएंगे तो हमारी गाड़ी खाली हो जाएगी, अगर नहीं पहुँचेंगे तो नहीं होगी दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, देखते हैं हमारा बिल कब तक बनता है, बिल लेके फिर यहाँ से सीधा निकल जाएंगे दोस्तों। और बिल मेरे को मिल गया है, और अब यहाँ से सीधा निकलते हैं। अब देखता हूँ अनिल ने तिरपाल किया नहीं होगा, तो हम कर लेंगे, तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। अनिल पता नहीं गाड़ी में बैठा होगा दोस्तों, तो मैं गाड़ी में जाके ट्राई करता हूँ, फिर यहाँ से निकलते हैं। तो दोस्तों वहाँ से मैं निकल चुका हूँ, और क्या हुआ यार दोस्तों, लेबर वाले कब के इधर थे, मैं तो सोचा चले गए होंगे और इधर ही थे, तो उनको मैंने बोला चलो भैया पीछे बैठ जाओ यार, क्योंकि यार वो लोग मतलब काम कर रहे थे तो वो गंदे हो गए। तो ऐसी कोई बात नहीं, हम भी गंदे रहते हैं दोस्तों, बट क्या है कि हमने दिल धोया था यार, इसलिए वापस गंदा हो जाएगा। तो मैंने उनको बोला भैया आप सब पीछे बैठ जाओ यार, वैसे भी गाड़ी भरा हुआ खाली था ही नहीं, तो उन सबको मैंने पीछे बैठा दिया है। पहले तो मैंने सोचा चलो अंदर ही बैठा देते, तो अनिल को मैंने बोला चल तू उधर ही को साइड में कर दे, तो वो लोग बोले भैया हम पीछे बैठ जाएंगे, तो मैंने बोला चलो ठीक कोई बात नहीं बैठ जाओ। तो उनको यहाँ पे अपने चौराहे पे उतारना है दोस्तों, यहाँ पे उतार दूंगा, वहाँ उतार के फिर हम चले जाएंगे और ये भी चले जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों चलते हैं।
उतार दिया था यहाँ बस स्टैंड पे, तो वहाँ से हम निकल गए दोस्तों। तो टाइम हो गया दोस्तों सात बज गए दोस्तों। तो अब यहाँ से चलते हैं तो चोटीला जाऊँगा, तभी अंधेरा पड़ने लग जाएगा दोस्तों, क्योंकि 7:30 बजे दिन अस्त हो जाता है। तो दोस्तों कल तो मेरे को नहीं लगता हमारी गाड़ी लग जाएगी, फिर भी कोशिश कर लेंगे, अगर लगेगी तो ठीक है, नहीं लगेगी आराम आराम से जाएंगे और रास्ते में सो जाएंगे, क्योंकि लेट हो गए तो फिर कल दिन में भी नहीं चला सकते, क्योंकि अपने गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है तो फिर टायर हमारे फूट जाएंगे अगर हम गर्मी के अंदर चलाएंगे। तो दोस्तों ठीक है, अभी तो चलते हैं, अब शाम के टाइम में देखेंगे खाना पीने का जुगाड़। तो ठीक है दोस्तों, चोटीला पार करते हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी बहन है। तो दोस्तों चोटीला हमने पार किया, चोटीला पार करने के बाद ये रतन भाई की जो गाड़ी है दोस्तों, उनकी गाड़ी का क्या होगी, सापड़ के बोल्ट खुल गए और सापड़ खुल गई दोस्तों, और सापड़ खुलने का रीज़न ये है कि उसके बोल्ट पहले से ढीले थे, उन्होंने चेक नहीं किए, तो उसके कारण सापड़ खुल गई दोस्तों। सापड़ खुली तो खुली, बट प्रेस की नली वगैरह वो सबको तोड़ दिया दोस्तों। तो फिर रात को तो हम उधर भेजामारी में रह गए दोस्तों, 12-1 तो उधर ही बज गई, मिस्त्री को बुलाया, मिस्त्री भी सो गया था, बट कैसे भी करके उसको बुलाया, उनको बोला यार भैया थोड़ा इमरजेंसी है आ जाओ, फिर मिस्त्री आया, फिर मिस्त्री को हमने बोला एक प्रेशर वाली पाइप भी लेके आ जाना 12 नंबर वाली, तो पाइप वगैरह लेके आया, फिर पाइप वगैरह लगाई दोस्तों, और पाइप वगैरह लगा के फिर खाना पीना खाया उधर, फिर खाना पीना खा के फिर मैं तो सो गया था, मेरे को नींद आ रही क्योंकि मैं थक गया था। अनिल को मैंने पहले सुला दिया था, इसका गाड़ी का काम हम दोनों कर रहे थे, तो मिस्त्री आने के बाद इनका काम होने के बाद फिर हम उधर से निकल गए दोस्तों। तो फिर सुबह में दोस्तों अभी हम आ गए खेरवाड़ा, तो अभी क्या कि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है दोस्तों, तो अब आज हमारी गाड़ी भी नहीं लगेगी, तो हमने सोचा खेरवाड़ा रुक जाते हैं, यहाँ पे नहा लेते धो लेते हैं, और नहा धो के फिर खाना पी के सो जाएंगे, और 4-5 बजे के आसपास यहाँ से निकल जाएंगे, तो भिलवाड़ा आसपास जाके सो जाएंगे, फिर सुबह में हमारी गाड़ी खाली हो जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, चाय वगैरह हमने पी ली, अब नहा लेते धो लेते हैं और फिर थोड़ी देर रेस्ट करके फिर यहाँ से निकल जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, अभी के लिए नहाते हैं। तो दोस्तों हम नहा लिए धो लिए और नहा धो के रेडी हो गए दोस्तों, अब बस कुछ नहीं करना, अब खाना खाना है और खाना पीना खा के बस सो जाएंगे, और निकलेंगे हम यहाँ से 4 बजे के आसपास निकल जाएंगे, और 4 बजे के आसपास फिर आगे जाएंगे और फिर खाना खा के फिर सो जाएंगे। इस मॉर्निंग में हमारी गाड़ी भी खाली हो जाएगी और फिर मैं भी इस गाड़ी में चला जाऊंगा दोस्तों, तो मैं इस गाड़ी में जाऊंगा दोस्तों खाली करके, और फिर रात कल आ जाएगा उसको मैंने बोल दिया है दोस्तों। तो चलो ठीक है दोस्तों, फिर खाना पीना खा के हम भी दूर सो जाते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो ये, तो वीडियो पसंद की कमेंट करके जरूर बताना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।